क्या हम हवा के बिना जिंदा रह सकते हैं? हवा को हम खाते हैं या पीते हैं? क्या इम्पोर्टेंट है हवा का हमारे जीवन में? जानेंगे सभी सवालों के जवाब, बने रहिए वीडियो में अंत तक। नमस्कार, मैं दिलीप शर्मा और आप देख रहे हैं डीडी। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पे गैस के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जो एक साथ मिलकर वायु या हवा का रूप ले लेते हैं। वायु के बिना हमारी पृथ्वी एक बंजर सूखी जमीन बन के रह जाएगी, पर क्यों, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों, हर जीवों को जीने के लिए सांस की जरूरत होती है। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा हवा अंदर जाती है और फिल्टर होकर ऑक्सीजन कोशिका के साथ मिलकर ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, और यह सिलसिला जीवन काल तक चलता रहता है और हम जीवित रहते हैं। जब यह कार्यक्रम खत्म, तो समझो हम भी खत्म। सो इसीलिए दोस्तों, जीने के लिए सांस लेना और सांस लेने के लिए धरती पे हवा की जरूरत होती है। पेड़ पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जीवित रहते हैं। पृथ्वी का तापमान नियंत्रण करने के लिए भी हवा का होना बहुत जरूरी है। सूरज के हानिकारक किरणों से बचने के लिए भी हवा का होना बहुत जरूरी है। जिस दिन धरती से हवा खत्म, हमारी धरती सूखी बंजर बन के रह जाएगी। हमारे वायुमंडल में मौजूद हवा बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें होती है। आज हम जो कोल्ड ड्रिंक्स, बियर जैसी जूस पीते हैं, इसमें वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड ही मिली होती है। यहाँ तक कि घर के रेफ्रिजरेटरों में भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, जिससे कि रेफ्रिजरेटर के अंदर का वातावरण बिल्कुल ठंडा बना रहा है। आजकल हम जो चिप्स, नूडल जैसे पदार्थ को खाते हैं, उसकी पैकेजिंग के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, जिससे ये लंबे समय तक ताजे और फ्रेश रह पाते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वेल्डिंग करते समय भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है। बिना नाइट्रोजन गैस के वेल्डिंग करना संभव नहीं है। हीलियम गैस बाकी गैसों से काफी हल्का होता है, जिसके कारण वह आसानी से ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। इसलिए आसमान की तरफ ऊंचाई भरने वाले गुब्बारों में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, जिससे वे आसानी से ऊंचाई तक उड़ पाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि आज जो बैठ के हम अपने घरों में इंटरनेट का यूज करते हैं, या जिस भी माध्यम से आप हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इसमें भी हीलियम गैस का अहम योगदान है। फाइबर ऑप्टिक केबल एक तरह का नेटवर्क केबल है, जिसके अंदर इंसुलेटेड आवरण के अंदर कांच के बने तार होते हैं, जिसका उपयोग लंबी दूरी तक इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है, ताकि हाई स्पीड का इंटरनेट दूर दूर तक पहुंचाया जा सके। फाइबर ऑप्टिक में बने कांच के तार की मोटाई हमारे बाल के बराबर की होती है, जो कि बहुत ही नाजुक होती है, और कांच में बुलबुले बनने पे यह आसानी से टूट जाती है और नष्ट हो जाती है। हीलियम गैस ऐसा होने से रोकता है, इसलिए फाइबर ऑप्टिक केबल में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो के लाइक और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।